मुंबई के नामी व्यापारी के बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए बिना उसकी जानकारी के धोखाधड़ी से निकाल लिए गए। साइबर क्रिमिनल और बैंकों के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। एक शख्स के पास ना कोई ओटीपी आया और ना ही किसी लिंक पर उसने क्लिक किया, ना ही कोई ऐसा मैसेज आया, सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और बैंक अकाउंट से 48,00,000 रुपए उसके निकल गए। सोचिए जरा कि आप अभी जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल नंबर में से एक नेटवर्क गायब हो जाता है और इसके बाद पता चलता है कि आपका जो नंबर है किसी अनजान आदमी के पास एक्टिवेट हो चुका है। अगर कोई कॉल करता है या मैसेज करता है तो उस अनजान आदमी के पास जाता है और चूंकि वो मोबाइल नंबर जो है बैंक में लिंक है, अकाउंट में लिंक है, तो ऐसे कंडीशन में अकाउंट से ट्रांजेक्शन के टाइम में ओटीपी भी उसी नंबर पे गिरेगा और चूंकि आपके पास वो नंबर हो चुका है बंद और किसी और अनजान के डिवाइस में वो सिम जो है नया सिम में वो आप ही का ओरिजिनल आईडी वाला नंबर जो है वहाँ एक्टिवेट हो चुका है तो ओटीपी गिरेगा वहाँ, कॉल भी जाएगा वहाँ, वेरिफिकेशन भी होगा वहाँ और ऐसे में आपके बैंक अकाउंट से पैसा एकदम जल्दी 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 डिडक्ट होते रहेगा, ना आपको मैसेज रिसीव होगा, पता भी नहीं चलेगा और बाद में बैंक में जाते हैं तो पता चलता है या बाद में सिम को फिर से रीएक्टिवेट कराते हो पता चलता है आपके बैंक से पैसा गायब। दोस्तों साइबर एंड लॉ फाउंडेशन के इंटरनल रिसर्च से पता चला था कि 2018 से हर साल मिनिमम 200 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड यही तरीके से होता है। आपको टेंशन हो गई ना, इस तरह के जो क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है या फ्रॉड करने वाले जो तरीका होता है इसको कहा जाता है सिम स्वैपिंग। अब सिम स्वैपिंग में जो होता है कि ये मत समझिएगा कि आपका मोबाइल नंबर दूसरे के आईडी पे वो नंबर चला गया, नहीं, दूसरे के पास वो सिम एक्टिवेट हो गया है और आईडी और प्रूफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लगा हुआ है एक तरह से आप ही का रहेगा, मतलब आप ही का सिम आपके पास बंद हो गया, आप ही के नाम पर दूसरे के पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि ये कितना ज्यादा हाई लेवल का जो है फ्रॉड है और ऐसे में आप सभी को इसके बारे में जानकारी होना आज के डेट में बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी लोग हो गए हैं डिजिटल और डिजिटल में खासकर बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड हो गया है और सारे बैंकिंग सिस्टम से लेकर के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोबाइल नंबर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन खासकर ओटीपी के लिए रिसीव किया जाता है। तो जरूरी है कि आपको ये जानकारी रहे और इस जानकारी को लोगों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए समझते हैं सिम स्वैपिंग होता क्या है, सिम स्वैपिंग काम कैसे करता है और अपने आप को सिम स्वैपिंग से सेफ कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, सिम स्वैपिंग क्या होता है? सिम स्वैपिंग एक ऐसा तरीका है कि एक सिम से दूसरे सिम पे आपका नंबर ट्रांसफर होकर के एक्टिवेट हो जाना होता है। मतलब ये कि जैसे हम सिम दिए और अगला बंदा सिम दिया तो एक तरह से सिम स्वैपिंग हो गया और नंबर चूंकि इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, बात खत्म। स्वैपिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि यार ये सिम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों है ऐसा, ऐसे में कंपनी क्यों नहीं रोक रही है, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। कैसे समझिए, सिम स्वैपिंग का तरीका यह है कि जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं सबसे पहली बात वो कंपनी को कॉल करेंगे। कंपनी को जब कॉल करेंगे, मान लीजिए आपका नाम है एबीसी, कंपनी को कॉल करके कहेंगे देखिए मैं एबीसी बोल रहा हूं और मेरा फोन खो गया है या मेरा सिम डैमेज हो गया, कोई ना कोई बहाना डाले। अब कंपनी डायरेक्ट तो मान नहीं लेगी बात, इससे पहले वेरीफाई करेगी कि हाँ आप सच में एबीसी बोल रहे हैं। और ये बात कैसे कंफर्म होगा, तो वो कुछ सेक्रेट बात पूछेंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका फुल नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, एटसेट्रा। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, मतलब जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टेलीकॉम ऑपरेटर के पास, आईएसपी के पास रहेगा वो कंपनियां आपसे पूछेगी। और चूंकि आप तो वहां पे है नहीं, कोई रैंडम बंदा जो है आपका नाम लेकर एबीसी बन करके वहां बात कर रहा है तो वो सारे इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, वो पहले से ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखेगा, कलेक्ट करके रखेगा। कैसे करेगा, सोशल इंजीनियरिंग के मदद से वो कलेक्ट करके रखता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे को भी पता है और चूंकि कंपनी उस बंदे से पूछ रही है और वो बंदा एबीसी बन के मतलब आपका जो है रूप लेकर के वहां पे वो बात कर रहा है और कंपनी तो वहां पे डायरेक्ट फेस टू फेस तो बात नहीं कर रहे, कॉल पे बात कर रहे, सारे वेरिफिकेशन हुआ और जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ वो सिम एक्टिवेट कर लेगा और आपके मोबाइल में लगा हुआ सिम वो नंबर में टावर आना बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। और दूसरा क्या तरीका होता है ये फ्रॉड करने वाले लोग करते हैं, आपके नंबर पर इतना परेशान करेंगे कॉल करके कि आप कुछ देर के लिए मोबाइल जैसे ही ऑफ करिएगा वो सिम वहां पे एक्टिवेट कर लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो जो है चाहेंगे कि आप किसी तरह से मोबाइल ऑफ कर लीजिए या कंपनी को ये विश्वास दिला देंगे कि वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वही एबीसी है, मतलब आप ही उससे बात कर रहे हैं और आपका सच में जेन्युइन में फोन खो गया है, चोरी हो गया है या सिम डैमेज हो गया है।
और इस कंडीशन में कंपनी नए सिम पे वही मोबाइल नंबर एक्टिवेट कर देती है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे के आईडी पे वो एक्टिवेट होगा, आप ही के आईडी पे एक्टिवेट हुआ, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे है सिम खो गया है या फोन डैमेज हो गया या चोरी हो गया या सिम डैमेज हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकता है। अब बताइए ऐसे कंडीशन में जैसे ही अगले के पास वो नंबर एक्टिवेट होता है और उसके पास पहले से ही आपका पूरा बैंकिंग डिटेल है, वो इसी इंतजार में था कि किसी तरह से सिम स्वाइपिंग करे और आपके बैंक से वो पैसे को चोरी कर ले, क्योंकि बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए ओटीपी, ओटीपी गिरेगा आपके मोबाइल पे, और चूंकि आपके मोबाइल में लगा हुआ है सिम जो नंबर बैंक में लिंक है, तो ऐसा क्यों ना करेगा फ्रॉडस्टर कि वो आपका जो नंबर कहीं और किसी दूसरे डिवाइस में एक्टिवेट हो जाए ताकि ओटीपी वहां गिरे, वेरिफिकेशन वहां हो और वो आराम से बैठ करके पैसे का ट्रांजैक्शन करता रहे, ट्रांसफर करता रहे। ये तरीका होता है सिम स्वैपिंग का। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी ये है कि वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है, क्योंकि जिस समय पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर लिया उस समय सारे इन्फॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के मदद से वहाँ पे वो वेरीफाई करके वो अपने आप को इम्पर्सनेट कर लेगा आपके आईडी को, और इसके बाद वो प्रूफ कर देगा कि वो ही जेन्युइन बंदा है और आप ही को फर्जी साबित कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखिए। वो क्या करता है, वो सोशल इंजीनियरिंग करता है। सोशल इंजीनियरिंग कैसे करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको टारगेट में लेकर के आपके सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना शुरू करता है। सोशल मीडिया से हो सकता है फिशिंग करके आपको मेल दे, कुछ कुछ ऑफर दे जहां पे आपको ऐसा लिंक देगा कि आपको फॉर्म भरने को देगा, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर देगा कि आप ये फॉर्म भरिए आपको ये ऑफर मिलेगा, आप चूंकि वहां पे फॉर्म भर रहे हैं और वही चीज फॉर्म में तैयार करके आपको सामने रख रहा है, आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन उसके काम का है, और चूंकि आप वहां पे भरते चले गए और इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लिया और उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो आपका सिम स्वैपिंग भी करेगा और इस साथ ही साथ जो है आपके बैंक से जो है पैसे को ट्रांसफर करने बैंकिंग डिटेल भी वो ले लेगा, और इस तरह से आपके साथ बहुत बड़ा हाई लेवल का फ्रॉड हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको 1% भी वैल्यू प्रोवाइड किया होगा तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए ताकि वो कभी इस तरह के फ्रॉड का शिकार नहीं बनेंगे।